नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बीएसएल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। तो आज इस वीडियो में हम जो कंसेप्ट है इंस्टीट्यूशनल बाइंग का, और वो किस तरह की कैंडल्स बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग बैलेंस है और यहाँ पे प्राइस अगेन आएगी और यहीं से अगेन रिबाउंड होगी। तो इसके लिए जो कंसेप्ट बताया गया था डॉक्टर रवि कुमार द्वारा, जिसमें फील्ड अनफील्ड फील्ड का दो तरह के चार्ट बताए गए थे, तो उसके लिए जो स्कैनर बनाया था मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है। ये स्कैनर, ये फाइंड जो ये वीडियो है, फाइंड द इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, इसमें वो वीडियो है, और इसका स्कैनर का भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें आपको स्कैनर का लिंक मिल जाएगा। तो ये स्कैनर इस तरह से है, फील्ड अनफील्ड कैंडल के लिए बनाया है। इसमें दो तरह के पैटर्न बनते हैं, तो जो दो तरह के पैटर्न बनते हैं उसमें फर्स्ट पैटर्न में एक रेड कैंडल होती है बिग, फिर आपकी एक स्मॉल कैंडल होती है, और एक ग्रीन ग्रीन कैंडल होती है। और दूसरे जो पैटर्न होता है उसमें एक ग्रीन कैंडल बड़ी, फिर एक स्मॉल रेड कैंडल, और फिर एक बिग आपकी ये होगी अगेन ग्रीन कैंडल। तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो पैटर्न है ये वाला, तो इस वाले पैटर्न में आपको क्या होता है कि इस वाले पैटर्न में आपकी एक कैंडल होगी जो कि आपकी ग्रीन कलर की होगी। फर्स्ट कैसी कलर की होगी? ग्रीन कलर की कैंडल होगी, सॉरी, फर्स्ट आपकी रेड कलर की होगी, उसके बाद ग्रीन कलर की होगी। तो फर्स्ट जैसे ये रेड कलर की कैंडल है, और फिर एक छोटी कैंडल होगी जो कोई से भी कलर की कैंडल हो सकती है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल होगी। तो ये जो जोन है, ये जो जोन बनता है, ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग का जोन बनता है। किसका बनता है? इंस्टीट्यूशनल बाइंग का जोन बनता है। जो सेकंड तरह का जो ये वाला है स्कैनर, ये स्कैनर आपको इस तरह की कैंडल सर्च करेगा। इसमें क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल है और एक स्मॉल सी आपकी कोई भी कलर की कैंडल हो सकती है, और अगेन सॉरी, इस तरह से नहीं बनेगा, ये आपका इस तरह से बनेगा। ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर में छोटी सी एक रेड कैंडल सी बन सकती है, और उसके ऊपर एक ही ग्रीन कलर की कैंडल। तो ये जो जोन है आपका, जो ये जोन है आपका ये वाला, ये जोन, ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है जो कि बैलेंस रह गया है, और ये फ्यूचर में कंप्लीट होगा। तो अभी आप इसमें अपन देखते हैं कि इसमें स्टॉक किस तरह से, उसमें कितने स्टॉक आए हैं, और हमारे पास जो स्टॉक आए हैं उसकी बैक टेस्टिंग करके हम देखते हैं कि और अभी किस किस स्टॉक्स में हम ये देख सकते हैं कि अभी पोजीशन बाकी है, मतलब उस लेवल तक आना बाकी है, और किस स्टॉक में उस लेवल तक आके ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है, और किस तरह से प्रॉफिट टारगेट और ये इसमें मिलते हैं। तो ये फर्स्ट डाटा पैटर्न्स करके मिड कैप आया था 11/11/2022 को, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं 11/11/2022 को। तो 11/11 हमारा कहाँ पे बनता है, 11/11/3/11, ये देखिए 11/11/2022 को हमें ये बताया गया था कि इस जगह पे ये पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है इस जगह पे, पैटर्न बन रहा है आपका इस जगह पे, ये देखिए इस जगह पे ये पैटर्न बन रहा है। लेकिन अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है, ऑलरेडी प्राइस यहाँ तक आ चुकी है, प्राइस इसके नीचे भी जा चुकी है, और वहां से कोई भी बाउंस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। देख सकते हैं इस लेवल से नीचे प्राइस यहाँ से ये ब्रेक डाउन करके ये नीचे जा चुकी है, फिर ये वापस आया। ये एक तरह से आपका रेजिस्टेंस का काम जरूर किया है इसने। फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे तो एक यहाँ पे ये पैटर्न बना है। इस पैटर्न में हमारा ये एज पर कंसेप्ट ये हमारा बाइंग रेंज होता है, और ये हमारा स्टॉप लॉस रेंज होता है। लेकिन
अगर इस पैटर्न की ही पर्टिकुलर पैटर्न की बात करें तो हमारे इस से ऑलरेडी ये स्टॉप लॉस के नीचे चला गया। मतलब अगर हम आपके अगर हम उसी कंसेप्ट के हिसाब से बात करें तो वैसे तो इसने इस यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाया नहीं है बाइंग करने के लिए, तो हमें बाइंग का चांस है। अगर हम बाइंग करते भी तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें कट जाता। तो इस वाले में हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो क्या कहेंगे हम इसमें, SL। देख लेते हैं हमारे कितने SL हिट होते हैं और कितने हमारे टारगेट आते हैं। तो इसमें तो हमारा SL हिट हुआ है। अगला देखते हैं। हाँ, ये तो इस पे लिखा गया है, उस पे तो लिखा नहीं गया है तो इसको डिलीट कर देते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है, बाहर बारिश हो रही है तो बारिश की आवाज आ रही होगी। चलिए GSS जो कि 14/11 को बना है, आपको आई थिंक आपको आवाज आ रही होगी मेरी, 14/11 को। तो ये रहा 14/11 को, ये पैटर्न यहाँ पे बना है 14/11 को, देख सकते हैं 14/11। ये है 14/11, ये है 10/11, 11/11 और ये है 14/11। यहाँ पे ये पैटर्न बना, तो ये तो ऑलरेडी हाई पे बना है और इसका स्टॉप लॉस भी कट चुका है। तो दूसरा जो हमारा स्टॉक इसमें सेलेक्ट हुआ उसका भी स्टॉप लॉस कट चुका है। चलिए नेक्स्ट उसमें हम चलते हैं 16/11 का। तो 16/11 को जो ग्लोबल एजुकेशन का जो शेयर है इसमें ये प्राइस आया है 16/11 को। तो महीना चल रहा है, ये है 16/11। तो ये वाला जो कैंडल इसमें तो इसने भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम किया है। अगर आप इसमें बाइंग भी करते इस रेंज में आने के बाद, वैसे तो इसने ग्रीन कैंडल बनाई नहीं है इस रेंज में आने के बाद, और इसने कोई अप मूवमेंट भी नहीं दिया है। तो इसमें हमारा एक तो दो चीजें बन रही है, एक तो इसमें अप मूवमेंट उस पैटर्न के बाद अगर कोई अप मूवमेंट नहीं हुआ है, मतलब जो हमारा हाई जो कैंडल बनी थी सेकंड कैंडल की बात करूं मैं, तो जैसे ये उसके बाद कोई अप मूवमेंट इसने दिया नहीं है जबरदस्त, और फिर आके उसने उसका सपोर्ट लिया हो, ऐसा हुआ नहीं है। तो इस तरह के स्टॉक्स में हम बाय नहीं करेंगे। इसमें भी ऐसा ही हुआ, ये डायरेक्ट ये पैटर्न बनाया और वहां से ये नीचे ही जा रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं हुआ है। हमारा है कि वहां पे वापस रिटेस्ट करे और ऊपर जाए तब हमें उसमें बाइंग करना है। इसमें भी ऐसा ही हुआ है, यहाँ गया और ये रेड कैंडल के साथ ही नीचे आ गया और ये इसको टेस्ट कर दिया। तो एक अप मूवमेंट होना चाहिए। रेडिंग टोन को देखते हैं 16/11 इसमें क्या किया है। तो रेडिंग टोन में 16/11 हमारा बनता है ये, इसमें ग्रीन छोटी कैंडल और ग्रीन ये बना है। अब आप इसमें देखिए, ये जो एक तरह के उसके बाद इसने अप मूवमेंट दिया, एक शार्प अप मूवमेंट दिया है, देख सकते हैं एक शार्प अप मूवमेंट दिया है। अब उसके बाद जब ये रिट्रेस हुई है, उसके बाद ये रिट्रेस हुई है तो देखिए कि इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया है, देखिए लिया, और इसने इस स्टॉप लॉस को भी हिट नहीं किया, नहीं किया, अप मूवमेंट दिया और काफी समय बाद इस सपोर्ट लेवल पे वापस आई प्राइस, और फिर इसने से ऊपर की तरफ, और ये अभी भी उससे ऊपर ही थे, इस वाले प्राइस पॉइंट को इसने टच नहीं किया अगेन। तो एक तो रेडिंग टोन हमारा एक स्टॉक हो गया जिसने इस तरह को सेटिंग कर। अब आप देख सकते हैं इसमें हुआ क्या है। फर्स्ट अगर हम देखते हैं कि डाटा पैटर्न्स में क्या हुआ था, डाटा पैटर्न्स में जैसे पैटर्न बना प्राइस नीचे आ गई थी, आ गई थी, ये 11 तारीख को हुआ था ये यहाँ पे। उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव नहीं हुई, नहीं हुई, और ये प्राइस नीचे आ गई थी। ऐसा ही GSS में भी हुआ, प्राइस नीचे आ गई, कोई अप मूवमेंट। ग्लोबल में भी ऐसा ही हुआ, प्राइस ऊपर गई नहीं। अब रेडिंग टोन हमारे स्टॉक है जिसमें ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस ऊपर गई है और फिर नीचे आई है और उसी पॉइंट का सपोर्ट लेते हुए फिर ये ऊपर गई है। तो रेडिंग टोन हमारा एक स्टॉक हो गया जो इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। और उसके बाद ये तो रेडिंग टोन वाला ही था। और उसके बाद हम देखते हैं 24 नवंबर को ICICI निफ्टी है। ये एक्चुअली इसमें हम देखिए एक्चुअली ETF है और इसमें छोटी छोटी कैंडलें बनती होगी एकदम, क्योंकि ये EOD में अपडेट होता होगा तो इसमें हम कुछ देख नहीं सकते, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारा जो स्टॉक बनता है टीटा गढ़,
टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, इसमें देखते हैं, ये शायद काफी ऊपर गया है, तो शायद देखते हैं इसमें क्या हुआ। 25/11 को इसमें पैटर्न बना है, तो 25/11 को इसमें पैटर्न बना है, और 25/11 कहाँ पे है, 23/11, ये 25/11 अभी तक उस लेवल पे प्राइस ने टच ही नहीं किया है, और उस लेवल से ये काफी ऊपर चला गया स्टॉक। अगर ये यहाँ पे या यहाँ पे अगेन किसी दिन टच करता इस लेवल को, तो इसमें बाइंग की जा सकती थी, लेकिन इसने तो सिग्नल ही नहीं दिया, क्या किया जा सकता है। चलिए, टीटागढ़ अच्छा स्टॉक था लेकिन मिस हो गया। बीकाजी, बीकाजी आया 28/11 को, तो 28/11 को हम देखते हैं इसमें क्या हुआ है। 28/11, तो 28/11 कहाँ पे मिलेगी हमको, 28/11 ये रही 28/11, तो ये इसका रेंज है यहाँ से यहाँ तक। प्राइस उसके अगले दिन ऊपर गया और तुरंत नीचे आया, इस रेंज में भी घुसा, और इस तरह के स्टॉक, इसमें हम एक स्टॉक में मॉडिफाई कर सकते हैं, जो सेकंडर वाली कैंडल है उसकी रेंज कुछ लिमिट में होनी चाहिए, मतलब वो कैंडल इतनी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, जहां लॉन्ग हो रही है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जहां पे ये देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है इसमें क्या है ना, ये कैंडल बहुत ही लॉन्ग है, अगर आप इसमें एंटर करते भी हैं यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस काफी नीचे होगा, समझ रहे हैं, तो काफी लॉन्ग कैंडल है। तो इस लॉन्ग कैंडल की बजाय अगर हम यहाँ पे एक शॉर्ट कैंडल लें, जो सेंटर वाली कैंडल हो वो शॉर्ट कैंडल हो, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ हो, तो वो वाली कैंडल इसमें भी इसने वर्क नहीं किया है। देखिए, आई और नीचे स्टॉप लॉस हिट कर दी, तो बीकाजी में भी वर्क नहीं हुआ है। बीकाजी के बाद हम ये देखते हैं हरिओम पाइप और एचपीएल। तो हरिओम पाइप 1/12 को आई है, 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को ये कैंडल बनी है, 1 दिसंबर को। हरिओम तो ऑलरेडी काफी अच्छा मूवमेंट किया है, देखते हैं 1 दिसंबर को कहाँ पे आई है, ये देखिए, ये 1 दिसंबर को आई है, उसने ये रेंज बनाई है। लेकिन अगर इस रेंज की बात करें, तो अब इसने ये जो प्राइस नीचे की तरफ मूव किया है, तब ये ऑलरेडी इस पॉइंट पे, आप देखिए इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक, ये देखो, ये प्राइस नीचे गई, नीचे क्लोज हुई, अगले दिन इसके ऊपर क्लोज हुई है, तो ये जो प्राइस रेंज है उसके ऊपर क्लोज हुई है, और उसके बाद इसने इसके नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं, और उसके बाद ये सीधी स्ट्रेट आपकी अप साइड ही मूवमेंट दी है। तो इस तरह की कंडीशन को भी हम, अब देखिए ये स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है, इसमें भी एक तरह से कहेंगे कि अगर आपने एल्गो की तरह कर रखा है कि इस पॉइंट से प्राइस नीचे आएगी और मैं बाय कर लूंगा, क्योंकि आप ये वाली कैंडल देखेंगे, ये कैंडल भी इसके बॉटम तक आई है, राइट, और फिर आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो अगर आप इस ग्रीन कैंडल पे बाय कर लेते हैं, इस वाली जो छोटी वाली ग्रीन कैंडल बनी है इस पे बाय कर लेते हैं, तो अगले दिन ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन उसके अगले दिन जब इसने ये कैंडल बनाई है और उसके बाद इसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो एकदम ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, इसमें कुछ तो सब्जेक्टिवनेस है, आप ऐसे नहीं कह सकते यहाँ यही पैटर्न है और आंख बंद करके मैं इस पे ऐसे ही वर्क करूंगा, लेकिन हाँ काम कर रहा है, वो लेवल्स आ रहे हैं। एचपीएल में देखिए 1/12 को क्या हुआ है, 1/12 को एचपीएल में ये लेवल बना है, ये इस लेवल पे आया भी है और यहाँ से नीचे की तरफ चला गया है, तो इसमें तो आपका बाइंग का बना ही नहीं, और ये आपका स्टॉप लॉस, अगर बाई किया भी जाता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो इसमें तो बाइंग का नहीं बना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 1/12 के बाद, ये 1/12 का था और फिर उसके बाद ये कैंडल बना 6 दिसंबर को, रेफ्रेक्स, तो 6 दिसंबर का है कैंडल,
दिसंबर को इसमें क्या हुआ है, 6 दिसंबर आई थिंक, कहाँ पे बन रहा है, 6 दिसंबर, ये रहा 6 दिसंबर को इसमें बना है। तो 6 दिसंबर को इसमें रेड छोटी कैंडल और ग्रीन इस तरह से बना है, लेकिन इसमें जो प्राइस है वो तुरंत आ गई और इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो इसमें भी कोई ऐसा हमारा काम नहीं हुआ, तो ये भी एक तरह से फेल हुआ है हमारा। फिर उसके बाद हम देखते हैं 4, 1 दिसंबर, 6 दिसंबर, और फिर हो गया ये 8 दिसंबर, रेमको सीमेंट 8 दिसंबर को आई थी। रेमको सीमेंट अगर देखेंगे तो 8 दिसंबर को रेमको सीमेंट ने दिया था, तो 8 दिसंबर कहाँ है हमारा, 8 दिसंबर, ये रहा 8 दिसंबर, ग्रीन फिर छोटा कैंडल और फिर ये ग्रीन, ये रेंज है। अब इस रेंज में प्राइस आप देखेंगे ऊपर गई, नेक्स्ट डे से रेड कैंडल बना के प्राइस आ गई, यहाँ कहीं पे आ गई और फिर इसने स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया। लेकिन ये एक तरह का जो एक लेवल अगर आपने मार्क करके रखा होता चार्ट में, तो आप देखेंगे कि ये लेवल ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। आप देखेंगे ये जो लेवल यहाँ पे बन रहा है, एक तरह से मैं मार्क करूं तो ये देखिए क्या है सपोर्ट, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी, और फिर ये ऊपर की तरफ गई। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे इसने उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिया है जैसा इसको देना चाहिए था। तो अब हम बन चलते हैं नेक्स्ट पे, एमईपी, एक स्मॉल कैप स्टॉक है एमईपी, ये भी 6 दिसंबर को मिला है। इसमें तो मुझे लगता है वॉल्यूम भी काफी कम है और बड़ी बड़ी कैंडले बन रही है और रेंज में इसमें सर्किट में भी रहती है लगता है ये, तो इस तरह के स्टॉक को ऑलरेडी आप ये कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो वैसे तो 6 दिसंबर को मिली तो इस तरह में आप फाइंड भी नहीं कर पाएंगे कि 6 दिसंबर मतलब क्या रेंज है, जैसे ये 6 दिसंबर है तो ये रेड ग्रीन और रेड, रेड ग्रीन ग्रीन और रेड, ये पैटर्न बना है इसमें, तो ये ऊपर से नीचे ही गया, तो ये कुछ स्टॉक नहीं। फिर हमारा 8 दिसंबर को रेमको, 8 दिसंबर को ही था हमने देख लिया। 8 दिसंबर के बाद हमारा 12 दिसंबर को पीएसबी, 12 दिसंबर को हमारा पीएसबी स्टॉक आया है, तो 12 दिसंबर ऑलरेडी ये मार्केट यहाँ पे हाई पे है, तो ये लेवल आया 12 दिसंबर का, यहाँ पे ये कैंडल बनी है और इस कैंडल का लो यहाँ पे है और ये हाई यहाँ पे है, तो इसने एक रेजिस्टेंस की तरह जरूर काम किया है यहाँ पे, और अभी भी प्राइस इसके नीचे ही, अगर यहाँ पे बाइंग की होती तो आपका स्टॉप लॉस इसके कुछ ही कैंडल के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, तो इसमें भी बहुत अच्छे से काम नहीं किया। तो इट्स सब्जेक्टिव, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है, सर ने तो बता दिया, सर को हो सकता है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज की, लेकिन इस चीज को आपको अगर समझना है कि एक बड़ी रेड कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बनती है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो वो जो छोटी वाली कैंडल है वो एक जोन है, तो उस जोन को आप उस तरह से हर स्टॉक्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या स्कैनर के थ्रू तो आप पता कर सकते हैं कि हाँ उस तरह का पैटर्न किस किस स्टॉक्स में बन रहा है, लेकिन वही अभी देखिए अभी तक जो बेस्ट पैटर्न बना है वो रेडिंग टोन का बना है, तो रेडिंग टोन में जो पैटर्न बना था ये वाला राइट, तो उसमें आपकी जो कैंडल थी छोटी, इसकी रेंज भी, रेंज आप देखेंगे तो इसकी भी रेंज कितने पॉइंट की थी, तो रेंज में लो से हाई को माइनस करेंगे तो 56 से 61, कम से कम ही ये कितने पॉइंट हो गए, 156, 90, तो 57 भी मानो और ये 58 62 मानो, तो 57 से 62 मतलब 5 पॉइंट का रेंज हो गया, और स्टॉक कितने का था 160 के आसपास, तो 160 के आसपास अगर 5
₹5 का स्टॉक थे और जो 160 के आसपास थे, तो आप देख सकते हैं डिवाइडेड बाय 160 तो आपका परसेंटेज कितना आ गया, रेंज 3% के आसपास इसकी रेंज रही होगी। कितनी रेंज रही होगी इसकी, 3% के आसपास इस दिन इसमें रेंज रही होगी, तो वो भी रेंज कम तो नहीं है। यूनिकेमी लैब 13-12 को आया है, ऑलरेडी हम इसको खोल के देख चुके हैं। और यूनिकेमिकल्स लैब अभी करंट सिनारियो में देखेंगे तो यूनिकेमिकल्स लैब एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन फेस से जाके और उसकी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। तो यूनिकेमिकल लैब एक अच्छा बाइंग स्टॉक हो सकता है, क्योंकि इसने बहुत समय से कैंडल्स में कंसोलिडेशन किया है। लगभग ये कितने समय से हो रहा है, जून पूरा हुआ है और मई भी लगभग पूरा हुआ है। उससे पहले इसने एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया हुआ है अपसाइड की तरफ से, और अब एक यूनिकेमिकल लैब को आपको आपकी वॉचलिस्ट में जरूर रखना चाहिए। ये अगर अपना ये लेवल जो 378 का है इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें जबरदस्त बाइंग आ सकती है। और फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 400, और 400 को क्रॉस किया तो फिर तो आपका टारगेट 450 तक आराम से इसमें मिल सकता है जूनी केमिकल्स। तो अभी ये स्टॉक ये चार्ट देखने से पता चल रहा है हमको, ये केवल हम अगर स्कैनर के थ्रू जाते तो हमें ये स्टॉक नहीं मिलता, पर हाँ अगर हम सभी का चार्ट देख रहे हैं तो हमें ये स्टॉक यूनी केमिकल्स लैब, तो यूनी केमिकल्स लैब को हमें नोट डाउन करना होगा कहीं पे। उसके बाद हमारा चार्ट बन गया 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर हो गया। 13 दिसंबर का हो गया, फिर 14 दिसंबर का LTTS। तो LTTS में 14 दिसंबर को क्या बनता है, ये बन रहा है 14 दिसंबर को, और ये अभी भी इस रेंज में इसकी हाई है। इसको तो इसने डायरेक्ट क्रॉस कर दिया था। और ये अब देखिए, अगर हम सोचें कि ये कैंडल छोटी होनी चाहिए तब भी इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी तक एक रेडिंग टोन ही है जो अभी तक पैटर्न में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। उसके बाद हमारा KPIL जो कि 26-12 को आया है, देखते हैं 26-12 को क्या हुआ है। 26-12 को ये रेंज बनी, इसकी रेंज ही काफी हाई है, और अगर इस रेंज में ये एंटर किया है स्टॉप लॉस जरूर यहाँ नहीं काटा है, स्टॉप लॉस जरूर यहाँ नहीं काटा, लेकिन रेंज ही इतनी इसकी बड़ी है। अब आप इस ग्रीन कैंडल पे अगर एंटर होते तो आपको कुछ टारगेट तो मिल ही जाता, 510 ये आ गया था, 521 से लेकर 554 तक गया था। उसके बाद ये नीचे आ गए, नीचे आया, और अगर उसी में बने रहते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन इसमें तो टारगेट लेके निकलने का है हमको। 26-12 के बाद हम बात करें तो ये है आपका 28 अपोलो। 28-12 को अपोलो टायर आया है, अपोलो टायर। तो अपोलो टायर में क्या हुआ, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, सॉरी 28-12 को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड है, ये है 28-12। हाँ तो एक इसमें भी वर्क किया, लेकिन हाँ तो ये समझ सकते हैं कि इसमें एक तो काफी लॉन्ग टाइम के बाद उसमें आना चाहिए, तो एक अच्छा अप मूवमेंट होना चाहिए जैसा कि इसमें हुआ है। अब इसमें एक अप मूवमेंट हुआ है, एक ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैटर्न बना है, और ये जो पैटर्न बना है उसके बाद ये लेवल आया है, और दूसरा पैटर्न जो बना है आपका ये, और ठीक यहाँ पे ये आके सपोर्ट लिया है, और आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक आपको रिटर्न दिया है। एक रेडिंग टोन था और दूसरा आपका जो स्टॉक है ये है जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। रेडिंग टोन में भी ऐसे ही हुआ था, रेडिंग टोन हमको यहाँ पे मिला था, इसका जो रेंज था ये और ये,
यहीं पे आके इसने बाउंस लिया और ये ऊपर की तरफ गया है। और एक अभी जो स्टॉक्स मिला आपको लास्ट हमारे को अपोलो कितनी तारीख को मिला था? कितनी तारीख को मिला था भाई अपोलो? तो अपोलो हमको मिला था इस दिन 28/12 को। तो 28/12 के बाद अगर अपन आगे देखते हैं तो 28/12 ये हो गई, और फिर 2 जून को मिला था टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में क्या हुआ है देखते हैं। 2 जून को मिला है टाटा स्टील, किस दिन मिला है? 2 जून को। ये देखिए ग्रीन, ये स्मॉल कैंडल और ये ग्रीन। अब अगर इसकी बात करें तो आप देखेंगे इसका ये हाई की लाइन होती है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है इसमें ये रेंज। तो इसमें इस लेवल ने एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, ये लेवल आया है आपका यहाँ पे और इसने यहाँ पे नीचे की तरफ सेलिंग दी है। फिर ये लेवल के यहाँ पे टच करने वाला था, फिर सेलिंग हुई, फिर ये आके इस लेवल से फिर ये सेलिंग कर रहा है। एक तो दो चीजें समझ में आ रही, एक तो इसमें काफी समय बाद उस लेवल पे आना चाहिए, और उस लेवल पे जहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है उसके बाद एक सडन अप मूवमेंट होना चाहिए, तभी ये पैटर्न अच्छे से काम करेगा। तो 2 जून के बाद हमने देखा गति, जो 6 जनवरी को इसमें ये पैटर्न बन रहा है गति में, तो 6 जनवरी को गति में ये एक पैटर्न बन रहा है। तो गति में 6 जनवरी हमारी कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे, और उसके तुरंत बाद प्राइस यहाँ तक आ गई थोड़े ही दिनों में, और ये आपका एक तरह से इसमें भी मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस की तरह ही ये इस लेवल ने काम किया है। ये हमारी लाइनें बनती है इसकी सेलिंग और बाइंग की, और ये इसमें कंसोलिडेट हुआ और गिर गया। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं 6 जनवरी के बाद का। 6 जनवरी हमारी, 2 जनवरी, 6 जनवरी और ये 9 जनवरी, आईसीआईसी गोल्ड, ये भी ईटीएफ है, इसको रहने देते हैं 9 जनवरी को। फिर उसके बाद 11 जनवरी आरके फोर्ज, 11 जनवरी को आरके फोर्ज में आया है। अब देखते हैं इसमें जरूर शायद इसने एक अच्छा दिया होगा 11 जनवरी। तो ये है हमारी 11 जनवरी, इसमें ये रेंज बनी है देख सकते हैं। अब इसमें अगर मैं लाइन मार्क करूं तो एक तो लाइन ये मार्क होती है और एक लाइन इसी के जस्ट नीचे यहाँ मार्क होती है। तो इसमें ये प्राइस, एक तो इसमें देखिए परफॉर्म इसमें किया है, लेकिन इसमें इस पैटर्न बनने के बाद जो ये पैटर्न बना था यहाँ पे, उसके बाद कोई बहुत बड़ा अप मूवमेंट नहीं दिया है, नहीं दिया, तो एक छोटा सा ही अप मूवमेंट दिया है, और प्राइस इस रेंज में सपोर्ट जरूर ले रही है। देखिए यहाँ पे भी आके टच हुई ऊपर गई, यहाँ टच हुई ऊपर गई, टच हो रही है ऊपर जा रही है, यहाँ पे आके एक कैंडल बना रही है छोटी सी विंग वाली, और फिर ये ऊपर की तरफ जा रही। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक कंसोलिडेशन, पूरा कंसोलिडेशन जोन बन गया और इसमें प्राइस कंसोलिडेट हो रही है और फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप कब ब्रेक हो रहा है इसमें? तो ये जब लाइन ब्रेक हो रही है तब आपकी बाइंग बनती है। तो इसके पे ब्रेक आपकी यही कैंडल हुई है जो ब्रेकआउट कैंडल है, और उसके बाद ये आपकी प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव की है। ठीक है, तो ये जो हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो इसमें कंसोलिडेशन आपका हो रहा है, और या तो फिर मूवमेंट के बाद रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तो जो उसमें हुआ नहीं है। तो 11/1 के बाद हम देखेंगे 11/1 यारी, फिर हमारी 12 जनवरी को मैग्नम, 12 जनवरी को मैग्नम में आई है। तो 12 जनवरी को मैग्नम में कहाँ आया है? ये है 12 जनवरी। तो इसमें जो लाइन बनती है आपकी 12 जनवरी को, एक तो ये लाइन बन जाती है और एक ये लाइन बन जाती है। तो इसमें भी एक ये कैंडल बन के ऊपर की तरफ गया प्राइस, फिर ये अपनी सपोर्ट आया, फिर ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे
भी एक तरह से सपोर्ट बना, और ये भी एक कंसोलिडेशन मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ये रेंज। या तो मुझे ये दो चीजें समझ में आ रही है, एक तो काफी समय बाद इस पे आना चाहिए, काफी समय बाद आना चाहिए, और फिर या तो ये कंसोलिडेशन जोन बन जाएगा, और अगर प्राइस नीचे चलेगी तो ये एक तरह का रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, जो कि आप पीछे की तरफ भी देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, अब यहाँ पे एक सपोर्ट जोन की तरफ काम कर रहा है पूरे समय में, और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मुई हुई है। मैग्नम के बाद हम देखते हैं ये आया है लिक्विड बी, ये तो बी है, ETF है, रिलैक्सो। रिलैक्सो 25 जनवरी को दिया है, तो 25 जनवरी को रिलैक्सो ने दिया है, देखते हैं 25 जनवरी को तो इसमें कैसे सपोर्ट बना रही है, रेजिस्टेंस बना रही है 25 जनवरी, तो ये इस तरह से ये 25 जनवरी को यहाँ पे बन रहा है। ये कैंडल ऑलरेडी काफी बड़ी कैंडल है, ऑलरेडी काफी बड़ी कैंडल है, बीच में एक्चुअली कैंडल की बॉडी तो छोटी है लेकिन रेंज काफी बड़ी है। तो अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे बना है ये पैटर्न, और इस पैटर्न में अगर आप देखेंगे यहाँ से ये आपका एक सब हो जाता है और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, तो ये स्टॉप लॉस एक तो इसमें उसके बाद कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, देख रहे हैं अप मूवमेंट कुछ नहीं हुआ, तुरंत ही प्राइस नीचे की तरफ चली गई अगले दिन ही, और फिर ये आपके रेजिस्टेंस जरूर ले रही इस रेंज से, रेजिस्टेंस भी लिया फिर सपोर्ट भी लिया फिर अगेन सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ मुई हुई, तो प्राइस एक्शन हुआ है आपका यहाँ पे, मतलब उस एक रेंज है जो इसमें प्राइस एक्शन होगा। अब डेफिनेटली तो कोई नहीं बता सकता कि उसमें क्या होगा, लेकिन हाँ उसमें प्राइस एक्शन हुआ है, उस जो पर्टिकुलर कैंडल की जो रेंज थी उसमें प्राइस एक्शन हुआ था। तो 16 जनवरी के बाद हमारा 25 जनवरी रिलैक्सो ऑलरेडी हमने देख चुका है रिलैक्सो को, तो 25 जनवरी को भी इसमें एक पैटर्न बना है, इसके बाद ये पैटर्न बना है 25 जनवरी को, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 25 जनवरी को भी पैटर्न बना है, 25 जनवरी कौन सी है, ये 25 जनवरी राइट, 24 और ये 25 जनवरी, अच्छा ये था RK4J, रिलैक्सो नहीं है, रिलैक्सो हमने खोला था, ये रहा रिलैक्सो, 25 जनवरी को भी इसमें एक पैटर्न बना है, तो 25 जनवरी को जो पैटर्न बना है वो कौन सा है, 25 जनवरी, ये तो 25 जनवरी, ओके ऑलरेडी हम देख चुके हैं रिलैक्सो 25 जनवरी का, 25 जनवरी का रिलैक्सो हम देख चुके हैं, 31 जनवरी को देखते हैं फूडसिन ईमेलिन और कैपजी जेमनी, तो ये कौन सी तारीख थी, 31, 31, 31st, तो 31st जनवरी हमारी कहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है, और ये रेंज है और ये रेंज है, इसमें भी प्राइस ने अप मूवमेंट नहीं किया तो ये भी हमारी तरफ से खारिज हो जाती है। और उसके बाद इमानी लिमिटेड, ये भी 25, 31 तारीख कौन सी है, ये 31 तारीख है, 30 जनवरी और ये 31 जनवरी, इसमें भी अप मूवमेंट हुआ ही नहीं है, ऑलरेडी उस रेंज से बाद ये नीचे गई है तो ये नीचे ही गई है, अभी ये उस रेंज के बॉटम तक है, हो सकता है ये अगेन रेजिस्टेंस लेके वहां से नीचे की तरफ मूवमेंट करे, या तो फिर ये कंसोलिडेट करेगी इस रेंज में जो कि इमानी है 430 से लेके 450 के बीच में कंसोलिडेट करे अगर इसमें घुसती अंदर तो, और या तो फिर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकती है। इमानी हो गया और केपीआई ग्रीन्स ने भी 31 को दिया है, तो देखते हैं 31 जनवरी कहाँ पर बन रही है, ये 31 जनवरी और ये है इसकी रेंज, तो हम मार्क कर देते हैं, ये है बॉटम और ये है टॉप, फर्स्ट बात तो है कि इसने कोई बहुत अप मूवमेंट दिया नहीं है तो इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, तो आप देखिए ये जो आपका एक तरह से क्या बन गया है, कंसोलिडेशन जोन बन गया, और कंसोलिडेशन जोन बन रहा है तो कंसोलिडेशन जोन का जो हाई बनता है उसको आप मार्क कर सकते हैं, उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो ये देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल है, और ब्रेकआउट कैंडल के बाद ये प्राइस ने बॉटम आके एक
रिटेस्टिंग की है और उसके बाद इसने एक अप मूवमेंट दिया है। तो ये एक तरह का क्या है, कंसोलिडेशन हुआ है, ये देखा जा सकता है केपीआई ग्रीन में। और ये 21 जनवरी, जनवरी महीने का हमारा लगभग पूरा हो गया। तो हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का बैक टेस्टिंग किया है। और मुझे लगता है कि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है क्योंकि 9 मंथ्स हैं और सभी स्टॉक्स का अगर बैक देखेंगे तो हम डाटा, जो 3 चीजें जो इम्पोर्टेंट इसमें समझ में आई है, एक तो इसमें जो जब ये बनेगी आपका, जब ये पैटर्न बनता है, जब आपका ये पैटर्न बनता है तो जैसे ये बना हमारा रेड, फिर एक छोटा पैटर्न और फिर एक ग्रीन पैटर्न। ग्रीन पैटर्न के लिए मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ये ग्रीन पैटर्न। तो उसके बाद प्राइस को थोड़ा अप मूवमेंट हमें दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? अप मूवमेंट दिखाना होगा। उसके बाद जब प्राइस डाउन आएगी, जो कि एक अच्छा सिग्निफिकेंट पीरियड होना चाहिए, और उसके बाद प्राइस इस रेंज पे आके टच करे, जो कि हमारी ये लाइन बन रही है, इसके जो रेंज बन रही है ये और ये, इस रेंज में आके सपोर्ट लेके, भले ही तो ये रेड कैंडल बना रही हो, यहाँ पे ये कोई रेड कैंडल बनाएगी और छोटी कैंडल बनाए या फिर एक बड़ी कैंडल, तो यहाँ पे हम बाइंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लेकिन ये लंबा समय अवधि होनी चाहिए। और प्राइस अगर यहाँ से डायरेक्ट नीचे चली जा रही है, या थोड़ा सा ही अप मूवमेंट किया यहाँ से और फिर प्राइस आपके नीचे चली गई, तो ये एक जो रेंज है आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। और अगर प्राइस नीचे भी नहीं जा रही है और प्राइस उसी रेंज में फंसी हुई है, समझिए ये कैंडल है, यहाँ पे इसने इस तरह का पैटर्न बनाया है और प्राइस यहीं से फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहीं पे, यहीं पे चल रही है, तो ये एक एक रेंज बना रही है। तब इसमें हमें क्या करना होगा, जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगी कैंडल कोई भी, तो हम उसमें अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, बाय हियर। ये हमारा बाइंग पॉइंट हो जाएगा, फिर हमारा जो लो होगा ये स्टॉप लॉस और ये हमारा बाइंग, और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये चीज इसमें इम्पोर्टेंट हुई है, जो कि मुझे इसमें पूरी तरह से बैक टेस्टिंग करने से समझ में है। आप जब और बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको और चीजें मिलेगी। तो जो जो सफलता जिसमें मिल रही है या जिस जो ट्रेड अच्छे बन रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आप कमेंट्स करके नोट कर सकते हैं। आप ये कुछ जो पोर्शन की बैक टेस्टिंग मैंने की है, बाकी पोर्शन की बैक टेस्टिंग आप करिए और कमेंट करिए। और अगर ये सब चीजें आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और मुझे सहन करने के लिए। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।